दोस्तों आरसीबी को जो है एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है। आरसीबी के जो मेन स्ट्राइक बॉलर थे डेल स्टेन, वो दोस्तों फिलहाल आईपीएल से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं ड्यू टू शोल्डर इंजरी, और ये जो है बहुत ही बुरी खबर है सभी आरसीबी के फैंस के लिए। तो दोस्तों क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो में सारी बातचीत करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है ऐसे क्रिकेट की न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों जिस तरीके से जो है डेल स्टेन ने अपने पिछले दोनों आरसीबी के मुकाबले में अपना इम्पैक्ट डाला था, तो सभी आरसीबी के फैन चाहते थे कि डेल स्टेन जो है पूरा सीजन खेले, लेकिन दुर्भाग्यवश स्टेन को जो है शोल्डर इंजरी हो गया और वो जो है अपने देश वापस जाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी जो है बात करते हैं कि क्या आरसीबी की टीम डेल स्टेन के बदले में रिप्लेसमेंट बुला सकती है। तो आप सभी को बता दिया जाए, अगर कोई भी टीम 7 मुकाबले खेल लेती है और उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तब जो है उसकी रिप्लेसमेंट बुलाई नहीं जा सकती। यहाँ पर जो है आरसीबी ने कुल 11 मैचेस खेल लिए है, तो इसी के चलते जो है आरसीबी की टीम डेल स्टेन का रिप्लेसमेंट नहीं बुला सकती। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेन के जाने से जो है क्या आरसीबी की गेंदबाजी के लाइनअप को फ़र्क पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेन थे वो एक वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज थे। लेकिन दोस्तों स्टेन ने जो है 2 मैच में जो आरसीबी के गेंदबाजों को मोमेंटम दिया है, जो कॉन्फिडेंस दिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं नवदीप सैनी, उमेश यादव जो है कितनी अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं, जहाँ पर जो है पिछले मैच में डेल स्टेन के बिना दोस्तों जो है आरसीबी की टीम जीत के दिखाई थी। तो ऐसे में जो है आरसीबी के पास मैच विनर गेंदबाज तो मौजूद है। सबसे बड़ा नाम फिलहाल दिखाई दे रहा है युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी का। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही बुरी खबर, क्योंकि डेल स्टेन अगर टीम में रहते थे तो जो आरसीबी का पूरी गेंदबाजी की लाइनअप थी वो एकदम अलग ही दिखाई देती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश डेल स्टेन को जो है शोल्डर इंजरी होने के कारण वो अनफॉर्चुनेटली आईपीएल को बीच में छोड़ के अपने देश वापस लौट जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आगे जो है कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं जो है आप सभी को फटाक से बता दूंगा वीडियो बना के। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।